बहुत अच्छे। बहुत शानदार। बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। सुरेंद्र सर भी हमारे बीच में है, दिनेश सर भी हमारे बीच में है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो एक साथ सब लोग बोलेंगे। मैं पहली पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद में वापस आप पहली पंक्ति बोलते हुए सब साथ में बोलेंगे। अब भी रिपीट करेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। वापस से। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरे औकात नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। पेपर की खोपड़ी में तो छेद, डिज्जे पड़ोसी के घर के आगे ही, माँ बाप का सपना पूरा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी। एक तरफ है शिक्षा मंत्री संविधान के जादूगर दिनेश गहलोत सर, और एक तरफ है जिन्होंने कुमार गौरव को कुमार गौरव बनाया बब्बर सर। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आज। मैं चाहूंगा दिनेश गहलोत सर सबसे पहले बोले आज। आज मेरे पास शब्द नहीं है। वो एक गाना चलता है 2247 दो दो जिप्सी काली। जिनका विद्यार्थी रहा हूं मैं, वर्ष 2002 में जब उत्कर्ष स्थापित हुआ था तो पहले स्टूडेंट के रूप में मैंने निर्मल जी का सानिध्य, निर्मल जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। और आज जब कुमार को देखता हूं तो ये जो कुमार है, इस कुमार को द कुमार, कुमार कुमार को, कुमार को द कुमार बनाने वाले निर्मल जी मंच पर मेरे साथ है, और जो द कुमार बना वो भी मेरे साथ है। तो एक एक अजीब सा आज एक संयोग है कि जो बनाने वाला है वो भी यहाँ है और जो बनने वाला है वो भी यहाँ है। बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, दो दशक से मैं उनको जानता हूं, निर्मल जी को, इनकी सफलता को बहुत मैंने नजदीक से देखा है। और इस व्यक्ति ने बनने के लिए क्या क्या मेहनत की होगी। जब कुमार जब द कुमार में बदलता है तो उसके लिए कितना कमिटमेंट चाहिएगा, कितनी प्रतिबद्धता चाहिएगा, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। देखिए एक ऑकवर्ड टाइम होता है, कोई कहता है कि मेरा ये जो प्राइम टाइम है उससे मुझे अगर उसमें मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिले तो मैं बात को बेहतर ढंग से कर सकता हूं, लेकिन ये प्राइम टाइम के कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने बदला है तो वो कुमार ने बदला है। आप कल्पना कीजिए कि सर्दियों की जब हर व्यक्ति रजाई में रहना चाहता है, उस 6 बजे ये व्यक्ति इतनी मेहनत के साथ, इतनी प्रतिबद्धता के साथ, विद्यार्थियों के प्रति इतना स्नेह के साथ जब बात को अपनी रखता है और विद्यार्थी जब उसको इतना सारा प्रेम देता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी। देखिए कोई व्यक्ति अगर एक विषय में विशेषज्ञ होता है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं संविधान पर थोड़ी सी बात करता हूं और आपको अच्छी लगती है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तनसुख सर लॉ पर बात करते हैं और बहुत अथॉरिटी के साथ बात करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये विषय हमको रोटी देते हैं। लेकिन अगर कोई एक शिक्षक अपनी मेहनत से उसी अथॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात करता है, ज्योग्राफी पे भी बात करता है, इकोनॉमिक्स पे भी बात करता है, साइंस और टेक पर भी बात करता है, तो वह व्यक्ति द कुमारी हो सकता है और कोई नहीं। तो वाकई में कुमार वाकई में कहीं ज्यादा आप लोगों के लिए हो सकता है मोटिवेशन का कारण हो, कहीं ज्यादा हम जो शिक्षक समुदाय से जो आते हैं उनके लिए भी प्रेरणा का कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमार को जब देखते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि मेहनत इस तरह से भी की जा सकती है। कुमार को जब हम लोग देखते हैं तो हमको कमिटमेंट क्या चीज होती है, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह क्या होता है, ये हमको सीखने को मिलता है। तो कुमार केवल और केवल विद्यार्थियों के प्यारे नहीं है, हम लोगों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं।
और हम लोगों के लिए तो एक एक लेसन की तरह है कुमार, कुमार की सफलता और कुमार को द कुमार बनाने वाले निर्मल जी दोनों के साथ मंच पर अपना आपको आज सुबह 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 बांके बिहारी के वहां अपने आप को पाकर मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत खुश हूं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स की क्लास के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है, रात को 12 एक बजे तक अपना कंटेंट को फाइनल करो, कौन सा फोटो जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, कैसे कंटेंट जाएगा, और उसके बाद में सुबह 6 बजे स्टूडियो के अंदर क्लास लेने के लिए हाजिर रहना। इसलिए जो है करंट अफेयर्स की क्लास, कई फैकल्टी मेंबर्स भी मन में सोचती होगी ये क्या मतलब, तो कल मैंने खुलासा ही कर दिया भाई, करंट अफेयर्स वाला टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सुबह सुबह लेके 6 बजे जब लोग सोए हुए रहे उस समय लाइव आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कुमार जो है कितने टाइम से कितने एपिसोड, 500 एपिसोड तक पहुंचे, एक भी एपिसोड के अंदर जो है ना जूते पहन के क्लास नहीं लिया है, ऐसे नंगे पैर क्लास लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच जो है अपने आप में कि सर नहीं मैं तो विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो विद्यार्थी के नाते पढ़ा रहा हूं और मैं तो बगैर जूते ही पहनाऊंगा, मेरे लिए तो ये स्टेज जो है वो मंदिर है। ये कई चीजें ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती ना तब आदमी को बड़ा बनाती है। करंट अफेयर्स के तो कई टीचर्स आए गए, कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन इतने रोजाना सुबह 50-60 हज़ार से अधिक लोग लाइव देख रहे हों, कभी भी 1 लाख का आंकड़ा लाइव छू जाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 लाख से अधिक लाइव देखने का, समझ रहे हैं। और ये रिकॉर्ड तो आप सभी लोग चलते चलते ही तोड़ लेते हो। आज मुझे पता है कई ऐसे लोग भी हैं जो मोबाइल ऑन करके बैठे हैं, जिनका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दिल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कितनी मेहनत इस कक्षा में लगती है, कुमार और उसकी पूरी जो तकनीकी टीम जो है वो कितनी मेहनत इसके अंदर करती है। तो ऐसे कुमार को और आप सभी विद्यार्थी खास तौर से, क्योंकि इस करंट अफेयर्स शो को फुल पत्ती वाली क्लास को नंबर वन बनाने के लिए आप सभी का रोल है, इस क्लास को पूरे भारत में भारत के बाहर भी लोकप्रिय बनाने के लिए मेरे पास मेरे सिंगापुर दुबई हांगकांग के मित्रों का कॉल आता है कि यार वो फूल पत्ती वाला कौन है, मारवाड़ी तो सब जगह बसे हुए हैं तो ये फूल पत्ती वाला। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे विद्यार्थी दिनेश रेवत, दिनेश के विद्यार्थी, एक ही मंच पर हम 3 पीढ़ी के लोग जो है वो खड़े हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अलग बात है कि अभी मैं इन दोनों से जवान मैं ही दिखाई देता हूं तो कुमार का जो है तिलक लगा के स्वागत अभिनंदन करेगी बिटिया, हमारे पंडित जी की बिटिया है ये, चक्रधारी वाले पंडित जी की। ये भी रसगुल्ला लेके आई है एक। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला का कॉन्सेप्ट देने वाला, एक कैमरे की तरफ रसगुल्ला दिखा दो, कह दो सब बच्चों को ये देखो रसगुल्ला हाथ में लेके कैमरे, ये देखो भाई रसगुल्ला सबको मिल गया ये वाला दे उधर मुझे दे दो। रसगुल्ला वालों को तो कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। रसगुल्ला शेर शेरनिया कत्तई जहर है चल जुट्टी, नया कॉन्सेप्ट दिया है, अलग ही कॉपीराइट है एग्जैक्टली, पर उसमें बहुत बड़ी ताकत है, मतलब समझ रहे हैं, जिसको फील करे इसको, जो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के लिए कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं, कितनी बड़ी बात ये होती है, समझ रहे हैं इस बात को। आपको भी कई लोग कहेंगे कि तेरे आरएस बनने की औकात नहीं, तू लेक्चरर नहीं बन सकता, समझ रहे हैं। तो ऐसे में खुद को फील करना है, नहीं मैं बन के दिखाऊंगा, कोई ऐसा मुझे कुछ भी लेके कह दे मैं अपनी मेहनत से बन के दिखाऊंगा, तो इन शब्दों में जो है अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो एक बार दिनेश सर जो है माला पहना के स्वागत करेंगे फटाफट से, और बिना शादी के माला पहनने वाला इंसान कुमार गौरव, इसका इसकी शादी भी जब होगी ना, क्योंकि कई सारे रसगुल्लों जितना है कमेंट करके बता दो, कुमार सर की शादी जब होगी तो उनके बारात जो है और उनका रिसेप्शन जो है वो पूरा सब कुछ लाइव किया जाएगा। रिसेप्शन नहीं होगा, भंडारा होगा, भंडारा होगा, लेकिन भंडारा जो है वो गुप्त जगह पे होगा शादी का रिसेप्शन, ठीक है।
और उसके केवल लाइव के द्वारा सूचना दी जाएगी और सभी को कहा जाएगा भाई उस दिन अपने अपने घर पे खाना वाना साथ में लेके बैठे, नहीं तो ये 1-1.5 लाख तो लाइव आ जाते हैं और अपने यहाँ तो भोजन जब होता है तो उस समय 5-6 गुना लोग पहुंचते हैं तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा ही काम हो जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन, और तनसुख सर जो है साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, हमारे लॉ के विशेषज्ञ है तनसुख सर, साफा पहना के स्वागत अभिनंदन करेंगे। सभी फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से आन बान शान साफा जो है वो पहना रहे हैं। चलिए तो ये साफा पहना के भी स्वागत अभिनंदन सबका किया गया है। और एक बार तीनों सर आप आए हुए हैं, सहदेव सर, मदन सर, चेतन सर, एक माला और लेके आओ। सुरेंद्र सर अपने शादी विवाह में होता है ना ऐसा माला हाथ खड़ा करके इन फोटो खिंचाते हैं ना, पर अभी तो दो है एक माला दो हाँ ऐसे चलिए भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। तो आज रात को 9 बजे भी हम कुछ करने वाले हैं। कुमार थोड़ी सी सूचना दे दो, बाकी तो 9 बजे डिटेल में बताएंगे। कुमार को मेमेंटो देना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिनेश गहलोत सर लेके आए हैं, और वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा कुमार सर उत्कर्ष के अंदर जो स्थायी रूप से 1 जन्म के लिए स्थापित हो चुके हैं वो अगले 7 जन्म के लिए भी हो जाएंगे। ये फूल पत्ती वाली क्लास और भारतीय संविधान और ये प्रशस्ति पत्र और सब कुछ साथ में जुड़ रहा है, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। और कमेंट आ रहे हैं, देखो कितने सारे विद्यार्थियों कमेंट आ रहे हैं। तनसुख सर डांस करके दिखाएंगे, कौन बोल रहा है? ये कुमार गौरव बोल रहा है और कोई कमेंट नहीं हो रहा। ये भी लिखा हुआ है कि मेरी शादी करवा दो। सर कुछ 4 नवंबर वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही है एकदम, जब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और मैं आया था नमस्कार साथियों बब्बर शेर ने जबरदस्ती मंच पर बैठाया था मुझे कि जा बेटा तू करके दिखलाएगा ना, बस मेहनत मत छोड़ना। और आज देखिए कारवां बढ़ता गया, निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला उत्कर्ष के जवानों से, अब क्या की बात है, धुआं उठेगा अब की बार। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और अब की बार इतिहास बदला जाएगा। हर माँ बाप का सपना पूरा होगा, उत्कर्ष का ये वादा है आप सभी से। और कुमार गौरव तो 7 जन्मों के लिए उत्कर्ष का हो ही गया है ना, अब तो शादी भी यहीं करके जाएंगे, ठीक है ना, रसगुल्लों